हेलो गाइस, होप सो आप ठीक हो, सब बढ़िया होंगे। तो आज है मस्कट में हमारा दूसरा दिन। तो कल आपने देखा हमने मथुरा एरिया घूमा था, तो आज रैंडमली घूमेंगे कुछ ना कुछ मस्कट में। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो कल रात को हमने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो अच्छा था, वहीं आ रहे हैं अभी। तो ये कल्याण ज्वेलर्स, तो यहीं पे ऊपर हमारा होटल है, गोल्डन टुलिप हमारा होटल है। यहाँ पे रूवी एरिया में अच्छी डील मिल गई थी हमें, लुल्लू सॉक। बहरीन च भी है ये लुल्लू मॉल और स्टोर जो ना पूरे गल्फ में है, दुबई में भी मैंने देखे और बहरीन में भी है ये, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ओमान में। इसके नाम ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इसका नाम ही शायद रेस्टोरेंट है, नाम तो ऊपर कुछ नहीं लिखा। अंदर जाके पूछते हैं। तो अभी हम आ गए हैं होटल के रेस्टोरेंट के अंदर, और रेस्टोरेंट का नाम है सियालकोट रेस्टोरेंट, तो लुल्लू मॉल के पास ही है। तो रात को भी यहाँ हम डिनर करके गए थे, तो अभी नाश्ता करने आए हैं। और नाश्ता 11 बजे तक तो ही मिलता है, उसके 12 बजे के बाद आपको फिर लंच का टाइम हो जाता है यहाँ पे। तो अभी हम नाश्ते में पराठा और चाय में गई है, और देखते हैं कैसा टेस्ट है और आपको बताते हैं। खाना खा के हम बाहर आ गए हैं, तो खाना अच्छा था। तो खाने में था पराठा, वैसे हमने सादी रोटी मांगी थी, सादी रोटी वो लंच में मिलती है, पराठे के साथ सिंपल पराठा था, आलू वाला नहीं था, तो उसके साथ चने और मीठा हलवा था। तो जो 2 पर्सन के लिए इसका हमने 600 बैसा दिया है, जहाँ बैसा बोलते हैं पैसे को, बैसा। तो 1000 बैसा 1 रियाल बनता है, जिसकी कॉस्ट होती है 217 रुपीस, इंडियन रुपीस। तो अभी हम जाएंगे होटल में और फ्रेश होकर फिर निकलेंगे। तो अभी हम नहा धो के अभी होटल से निकले हैं, और यहाँ एक ग्रैंड मॉल है वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ ना जब 1 बज जाता है, 1 बजे से 4 बजे तक शॉप और मार्केट बंद हो जाती है। देखो जैसे अगर सभी शॉप बंद हैं तो 4 बजे फिर ओपन हो जाती है शॉप। और मस्कट की एक बार बात मुझे और अच्छी लगी, ये तो यहाँ आप ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल जाएगा, हर स्ट्रीट पे आपको मिल जाएगा ड्रिंकिंग वाटर। तो अपने पास बोतल रखो और रिफिल कर लो उसको, तो अच्छी बात है। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे पानी फ्री होना चाहिए, दुबई में ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये है रूवी का बस स्टैंड। तो टैक्सी वाला ग्रैंड मॉल जाने के 5 रियाल मांग रहा है, तो यहाँ पता करते हैं कोई बस जाती है तो बस से ट्राई करते हैं, अदरवाइज शेयरिंग टैक्सी देखेंगे। और ये बस नंबर A1 जाती है रूवी से सीधी एयरपोर्ट, 36 मिनट लगेंगे और आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। टैक्सी से जा रहे हैं, टैक्सी वालों ने, टैक्सी ड्राइवर ने बोला हमें 30 रियाल। तो अभी जाके देखते हैं ग्रैंड मॉल में क्या है, ग्रैंड सच में ग्रैंड है। और हम पहुंच चुके हैं मस्कट के ग्रैंड मॉल में, तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ क्या है देखने के लिए, अंदर क्या है, कौन से ब्रांड हैं। और एप्पल स्टोर होगा तो वही देखेंगे, शायद होगा एप्पल स्टोर अंदर।
तो अभी हमें ये टिम हॉर्टन में ये कॉफ़ी पड़ी है लाते मीडियम साइज दो रियाल की, और ये कोल्ड कॉफ़ी ढाई रियाल की। दुबई में ट्राई करनी थी लेकिन वहाँ टाइम नहीं मिला, तो यहाँ आज मस्कट में इंजॉय कर रहे हैं ये। अभी तो दिल्ली में भी शायद खुल गई है और चंडीगढ़ में भी, काफ़ी क्रेजी हैं लोग इस पंजाब में इसके और दिल्ली में भी। कॉफ़ी तो हमने पी ली, कॉफ़ी जैसी सेम ही होती है जैसे स्टारबक्स और सीसीडी सेम है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा मुझे। और इनकी है स्पेशल चाय, और चाय हम पहले घूम आए मॉल, फिर जाते समय चाय पी के जाएंगे। और तो दुबई मॉल में भी हमने ट्राई किया था टिम होटल में जाने के लिए, लेकिन वहाँ इतना रश था ना तो हम जा नहीं पाए। लेकिन यहाँ देख लो आप, बिल्कुल खाली है मॉल। अरे ये एक जापानी स्टोर है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ जापानी ही मिलेगा। तो ग्रैंड मॉल में एप्पल स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो सामने ही ओमान एवेन्यूज मॉल है, वहाँ जा रहे हैं अभी, देखेंगे वहाँ एप्पल स्टोर में क्या प्राइस हैं आईफोन 14 मैक्स के। दुबई में हमने ट्राई किया था, लेकिन दुबई में प्रॉब्लम पता क्या थी, हमने लैंड बॉर्डर से क्रॉस करना था तो वैट रिफंड नहीं हो सकता था ना। तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो तभी वैट रिफंड होता है, तो दैट्स वाई हमने वहाँ कैंसिल कर दिया। तो यहाँ देखते हैं ट्राई करके क्या प्राइस है। यहाँ पे ना एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है, तो यहाँ एमआई ने कैप्चर किया उसको, ऑथोराइजर स्टोर है एमआई के। तो चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या रेट शेट हैं यहाँ। यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स है 128 GB 520 रियाल का, जो हमें 1,10,000 का पड़ेगा। तो आईफोन 14 अकेला 14 पड़ेगा 376 रियाल का, जो 80,000 का हमें पड़ेगा। तो आईफोन 14 प्रो 476 रियाल का, जो हमें 1,14,000 का पड़ेगा। और आईफोन 14 प्लस जो कि 420 रियाल का है, तो ये हमें पड़ेगा 90,000 का। तो अभी हम इनसे बात करेंगे वैट के बारे में, अगर वैट रिफंड होता होगा तो हम ज़रूर बाय करेंगे यहाँ से आईफोन 14 प्रो मैक्स। और वैट रिफंड के बारे में ये भी श्योर नहीं है, तो इन्होंने बोला कि 5% आपको वैट रिफंड हो जाएगा एयरपोर्ट पे, पर श्योर नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि आप एयरपोर्ट से पता कर सकते हैं, तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा अगर यहाँ से हम बाय कर लेके जाते हैं और एयरपोर्ट पे हमें रिफ़ंड नहीं मिला, तो ये तो ऑलमोस्ट इंडिया वाला रेट पड़ जाएगा। आईफोन के प्राइस भी आपको बता दिए मैंने यहाँ पे क्या है, तो आप देख लो। तो मस्कट में इतना घूमने फिरने के लिए, जैसे दुबई में काफ़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए, वो इतना नहीं है। तो अभी हम मस्कट के डाउनटाउन एरिया में हैं, जहाँ पास में सभी बड़े मॉल हैं, और बस यही है मस्कट में घूमने के लिए। और कल जो हमने दिखाया था आपको मथुरा, मेन घूमने के लिए वही है। और यहाँ पे देखने के लिए जहाँ आप सलाला जा सकते हो, सलाला भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं होटल, और होटल जाके फिर देखते हैं आगे रात को क्या करना है और कहाँ घूमेंगे, वो आपको होटल जाके बताते हैं।